हेलो क्लास फोर, दिस इज योर साइंस सब्जेक्ट एंड योर चैप्टर नंबर फोर. ओपन योर बुक्स नाउ. एज यू कैन सी, दिस इज योर चैप्टर फोर, मेकिंग सेंस. हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वी नो वेरी वेल. हमने पिछली बुक्स में भी अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है. एंड दीज सेंस ऑर्गन्स एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द ब्रेन और आउटसाइड की जो हैपनिंग्स है हमारे एनवायरमेंट में, जो उसको वो बताते हैं कि हमें अब क्या करना है. द बॉडी जो क्या करती है, हमारी सेंस ऑल द सिग्नल्स को सेंड करती है, और हमारा जो ब्रेन है सभी सेंस उनको सिग्नल्स को रिसीव करता है फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स की तरफ से टू द ब्रेन को, और ब्रेन टेल्स अस, और ब्रेन हमें बताता है कि वी हैव टू रेस्पॉन्ड हाउ एंड इन विच मैनर. लाइक अगर हम टेस्ट करते हैं आइसक्रीम, तो सिग्नल्स हमारे ब्रेन को जाते हैं एंड फ्रॉम द टंग से हमारे माइंड में आते हैं कि आइसक्रीम ठंडी है या मीठी है या नमकीन है, लाइक वॉट एवर विच द थिंग्स रिलेटेड टू द आइसक्रीम. ओके, नाउ आइज से कैन यू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आइज से रिलेटेड है ये. वॉट इज द कलर ऑफ योर फ्रेंड की पेंसिल बॉक्स का, हाउ मैनी चेयर्स, ठीक है. इनको आप करके देखेंगे, बिकॉज आपकी आईज होंगी, आप आईज से चेक करेंगे, काउंट करेंगे, देन यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस, ठीक है. नेक्स्ट, नाउ यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ योर आईज. अब लाइक दीज आर योर फोर फेसेस हैं आपके, ठीक है. आप किसी अपनी आईज से इन सभी फेसेस को देख के ही तो एग्जामिन करोगे कि वॉट इज गोइंग ऑन टू द देयर फेसेस. लाइक फर्स्ट आपका जॉय, खुश है ये, ठीक है. आपको उसका फेस को देखने से महसूस हो रहा है कि हाँ दिस इज फीलिंग हैप्पी. नेक्स्ट आपका सोरो, परेशानी में, दुख में दिख रही है. नेक्स्ट आपका क्या है, फियर में, गुस्से में चिल्ला रही है ये. आपके फेस से ही पता लग गया ना, इसने बोला नहीं कुछ भी, आपने इसको देखते ही बता दिया. एंड नेक्स्ट आपकी सरप्राइज की, अचानक कुछ ऐसा हुआ जो इसको पता नहीं चला कि हाउ इट हैपेंड. ये एक सरप्राइज है इनके लिए, ठीक है. नाउ नोज, आपका नेक्स्ट है नोज. नोज से आप क्या करते हैं, आपके आसपास की गुड और बैड स्मेल आप अपनी नाक से सूंघते हैं, ठीक है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो. एंड व्हेन द नोज स्मेल्स समथिंग, इट सेंड द सिग्नल किसको देता है, ब्रेन को, और ब्रेन हमें बताता है कि वो क्या है, अच्छी स्मेल है, बुरी है या किस चीज की है वो. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज आवर ईयर्स. ईयर्स हमारे कान होते हैं जिससे हम लोग सुनते हैं. सॉफ्ट हो गया, मेलोडियस साउंड हो गया, या किसी आवाज से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो वो आप सभी सुनते हैं कानों से, ठीक है. क्योंकि ये हमें किसी से आपको कोई कुछ कहना चाह रहा है तो आप अपने कानों से ही सिग्नल लेते हैं ना कि वो क्या कह रहा है और आपको उसके बाद क्या रिएक्शन करना है, ठीक है. नाउ लाउड नॉइज इज बैड फॉर आवर ईयर्स, क्योंकि हमें मालूम है, जैसे ये देखो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल स्पीकर के सामने ही खड़ा है और इसने कानों को बंद किया हुआ, बिकॉज जो वो लाउड आपकी जो साउंड आ रही है स्पीकर से, इट इज वेरी डिस्टर्बिंग हिम, और कानों के पर्दे तक भी फट जाते हैं. एंड और इससे हमारा क्या बढ़ता है, नॉइज पोल्यूशन बढ़ता है. एंड वी शुड नॉट बर्स्ट द क्रैकर्स, ज़्यादा नहीं छुड़ाने चाहिए हमें पटाखे जो हमारे नॉइस पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं. फाइन, नेक्स्ट वन इज आवर टंग. टंग यानी जी, जो हमारे फूड को टेस्ट देती है. ओके, कि कौन सा नमकीन है, मीठा है या खट्टा है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नाउ वी टेस्ट विद आवर टंग. एज द फूड कम्स इन कॉन्टैक्ट, आपको पता चल जाता है कि सिग्नल आपके ब्रेन को दे रहा है और ब्रेन आपको बता रहा है ये स्वीट है, बिटर है, सॉल्टी है या सॉर है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज आवर स्किन, क्योंकि हम फील किससे करते हैं, अपने स्किन से ही फील करते हैं किसी का टच, ठीक है. अब जैसे आपको कोई चीज़ आपका गर्म, जैसे इसने हाथ में ग्लास लिया हुआ लड़की ने, ठीक है. एंड वॉट हैपन्स, आप ग्लास में मान लो दूध गर्म है, आप उसको हाथ से पकड़ लेते हैं, आपको फीलिंग आ जाती है ना गर्म वाली, आप एकदम से मम्मा हाथ गर्म गर्म दूध है, जल्दी पकड़ो मम्मा. आर यू गेटिंग ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आपको फील हुआ ना गर्म वाला एहसास हुआ. सेम ऐसे ही आपको ठंडा ज़्यादा लगेगा तो आप कि हाँ मम्मा ज़्यादा गर्म ठंडा लग रहा है,
आप इसको ले लीजिए. तो स्किन ऑल्सो हेल्प अस टू नो इफ एन ऑब्जेक्ट इज हार्ड है, सॉफ्ट है, रफ है, या वो चीज स्मूथ है. आप फीलिंग लेंगे उस चीज की. ठीक है, नेक्स्ट वन इज आवर इमोशनल रेस्पॉन्सेज. वी कैन शो मेनी इमोशंस थ्रू द सेंस ऑफ टच. से आप लोग काफी फीलिंग्स ले सकते हैं इमोशनल वाली. लाइक व्हेन वी आर सैड और एंग्री वी हिट स्लैप एंड पुश ईच अदर. ठीक है, एंड दीज आर द बैड टचेस. आपको मालूम है आपको जब कंफर्टेबल फील हो रहा है, ठीक है, लाइक आपकी मम्मा ने आपको इस बेबी को दिख रहा है गले में गले लगा रखा है इसको, आपकी मम्मा जैसे या आपके पापा आपको हक कर रहे हैं गले लगाते हैं, तो आपको एक फीलिंग अच्छी वाली आती है. बट जहाँ आपको फीलिंग अच्छी नहीं आती है तो आपको लगता है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट पर्सन, तो दैट इज कॉल्ड अ बैड टच. ठीक है, और अगर आपको वो वाली फीलिंग अगर कहीं आ रही है कि बैड टच कोई आपको कर रहा है, आपके मेन जो आपके क्या है मेन पॉइंट्स आपके, और अगर आपको लगता है कि आपको कोई बैड टच कर रहा है, तो यू शुड टेल टू योर मम्मा और योर पापा, ताकि वो आपके साथ आज हो रहा है कल ना हो. ओके, नेक्स्ट वन, अ गुड अ वर्ड विदाउट द सेंसेस. क्योंकि क्या होता है हमारे ऐसे लोग कुछ क्या कि कोई किसी के साथ कोई इंसिडेंस हो गया है, या किसी के साथ कोई स्टार्टिंग बर्थ से ही ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग डिफरेंटली एबल होते हैं, लाइक किसी के हाथ में प्रॉब्लम है या किसी के पैर में, तो ऐसे लोगों को हम डिफरेंटली एबल लोग बोलते हैं. लाइक जैसे हमारे निष्ठा लोग निष्ठा होते हैं कि वो देख नहीं सकते हैं, वो क्या करते हैं आपकी स्क्रीन पे ब्रेल स्क्रिप्ट नजर आ रही है, तो हमें इन डॉट्स पे वो इनको स्टडी करवाया जाता है, इनके हाथों से वो फीलिंग लेते हैं और इनके कुछ सिग्नल्स होते हैं इनके टाइप में, लाइक दो डॉट्स हैं तो वो ए होता है, इस तरीके से कुछ है कि ताकि वो साइन लैंग्वेज को समझ सकते हैं, या जो कानों से सुन सकते हैं नहीं सुन सकते या बोल नहीं सकते हैं, इनके अपने अपने पर्सनल कुछ साइन लैंग्वेजेस होती हैं जिसको वो हाथ से इशारा करके अपनी बातों को दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं. और हमें वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द डिफरेंटली एबल पीपल. से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है. वी शुड लर्न हेल्प, वी शुड हेल्प ईच अदर. हमें हेल्प करनी चाहिए और इनकरेज करना चाहिए एक दूसरे को कि हाँ जहाँ जो गलत हो रहा है वो गलत नहीं होना चाहिए, और हमें ऐसे लोगों को टीज भी नहीं करना चाहिए. ओके, नाउ आई हैव फिनिश्ड द लेसन, नाउ कम टू योर एक्सरसाइज वर्क. नाउ दिस इज योर मेकिंग सेंस. आपका आंसर की इज देयर, ए बी एंड सी इज योर क्वेश्चन आंसर्स. यू हैव टू जस्ट कम्प्लीट द होल वर्क इन योर बुक्स एंड नोटबुक्स. नाउ आई विल बी कमिंग इन योर नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट लेसन. फाइन क्लास, तब तक के लिए बाय.